नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम एवरीवन। मैं हूँ ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ। और आज का ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इस टॉपिक को जरूर सुने, क्योंकि हम सबको अपने विचार व्यक्त करने का जो हक है वो होना चाहिए। और मैं किसी के खिलाफ नहीं, किसी की साइड नहीं, आज मैं बात करने वाली हूँ जो एक मूवमेंट इंडिया में चल रही है, #MeToo, जिसमें के तनुश्री दत्ता ने आरोप लगाया है एक फिल्म स्टार के ऊपर के उनके साथ कुछ बदतमीजी हुई थी, या बहुत सारे लोग इस मूवमेंट के बाद उभर के बाहर आ रहे हैं जो टीवी और मीडिया से रिलेटेड हैं। अब आप मुझे कहेंगे कि आप तो एयर होस्टेस हो, आप इस चीज के बारे में क्यों बात कर रही हो? मैं इस चीज के ऊपर इसलिए बात कर रही हूं दोस्तों, क्योंकि मैं भी उसी देश की एक बेटी हूं, और मुझे भी लगता है कि किसी भी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, बदतमीजी इस तरह की किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। वी ऑल डोंट डिजर्व इट। कुछ लोग इस तरह की चीजें करते हैं अपने करियर में प्रोग्रेशन करने के लिए, वो उनकी चॉइस है। जो लोग नहीं करते हैं वो उनकी चॉइस है। तो जो लोग नहीं करना चाहते हैं, अगर उनको कोई इस हद तक पुश करता है, या उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, या उनका फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो वो डेफिनेटली गलत है। मेरी भी लाइफ का एक इंसिडेंट है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन आपको नहीं पता है कि मुझे भी टीवी में काम करने का बहुत शौक था, और मैं भी चाहती थी मैं किसी सीरियल में या टीवी में काम करूं। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि पंजाब से हूं, वहां पे लड़कियों को इन सब कामों में, नाचने गाने में या टीवी में काम करने के लिए खुश नहीं होते थे पेरेंट्स इस चीज़ में, तो वो इनकरेज नहीं करते थे। उनको होता था लड़की बस पढ़े लिखे और उसकी शादी हो जाए, बच्चे हों, बस यही लाइफ होनी चाहिए लड़कों की, लड़कियों की। तो इस वजह से उन्होंने मुझे प्रोत्साहन नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने अपने शहर में होते हुए कुछ छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स जो होते थे उनमें मैं पार्टिसिपेट करती थी, और उन्हीं में से एक शो था, नेशनल टीवी पंजाबी नेशनल कोई चैनल था, उसके ऊपर उसने आना था शो ने, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और वो शो मैंने जीता था। वो शो हुआ था रिकॉर्ड रात के टाइम में। क्या होता है, शूटिंग उसकी पूरे जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे 5 या 6 शो एक ही जगह पे वो शूट कर लेते हैं टू सेव मनी, और रात के टाइम शूटिंग इसलिए होती है क्योंकि बाहर का शोर शराबा जो है छोटे शहरों में रात के टाइम खत्म हो जाता है। तो एक बड़ा सा हॉल बुक किया गया था, वहां बहुत सारी फैमिली के बच्चे और उनके पेरेंट्स या वो सब लोग आए हुए थे। मैं उस टाइम 11th या 12th में थी जहां तक मुझे याद है। तो वो शूटिंग रात को खत्म हो गई। वो जो एक पूरा जो मेरा राउंड था, 4 राउंड्स थे, वो मैंने जीत लिए, मैंने शो विन किया, मुझे एक ट्रॉफी मिली, वो आज भी मेरे घर पे है, अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू। लेकिन उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहती हूँ। तो वो अवार्ड जीतने के बाद जो कुछ लोग जो उन्हीं शो वालों के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझे एक दिन अप्रोच किया और कहा कि आप प्लीज़ एक जगह पे हमने डांस परफॉर्मेंस देने जाना है भांगड़ा की, और हमारी जो साथी लड़की है वो बीमार है, तो आप प्लीज़, क्योंकि आप डांस अच्छा करती हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर लेंगी क्या? क्योंकि मैं ऑलरेडी उनके साथ काम कर चुकी थी, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ मेरी होती थी कि मैं नेचुरली पंजाब से हूं, तो हमारे घर वाले लड़कियों को अकेले जाने नहीं देते थे उस टाइम पे। आज के हालातों की बात नहीं कर रही हूं, मैं आज से 2002-2003 की बात कर रही हूं, कि अगर आपने कुछ काम से भी जाना है तो आपके पेरेंट्स में से कोई, या आपका भाई या कोई बहन, कोई ना कोई तो डेफिनेटली आपके साथ जाएगा ही। तो मैंने भी अपनी मम्मी को बोला कि ऐसा ऐसा है, दो शी डिन अग्री के वो मुझे उस ग्रुप के साथ डांस करता हुआ देखना चाहती हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि चल तेरा शौक है कोई बात नहीं, तू चली जा। तो लेकिन उन्होंने कहा, शर्त यह है कि मैं साथ चलूंगी। तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं आपको साथ ही लेके जाना चाहती हूँ, मुझे अकेले नहीं जाना है। तो मैं उनको साथ लेके चली गई। जब मैं साथ लेके उनको गई, वहां पे पहुंची, बैक स्टेज मेरे मम्मी वहां बैठे हुए थे, मैंने वहां चेंज करा, अपना मेकअप करा, एंड परफॉर्मेंस हो गई। परफॉर्मेंस होने के बाद उस शो के जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे, वो खाना खा रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया, और मुझे बुला के कहते हैं कि बुरा मत मानिएगा, पर आप ना अपनी मम्मी को क्यों लेकर आए हो साथ में? तो मैं क्या, नहीं, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी को लाना था साथ में, मैं अभी छोटी हूँ, इतनी संभली नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं है। नहीं, अभी आने वाले टाइम में हम आपको जब किसी काम के लिए बुलाएं तो आप उनको साथ में मत लेके आना। तो ये बात उन्होंने कह के मुझे कहा, मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने अपनी मम्मी को साथ लिया और मैं घर चली गई। मेरा कोई लेना देना नहीं था, मुझे एक ट्रॉफी मिली, मैं बहुत खुश थी। एक अवार्ड मिलना उस टाइम में बहुत बड़ी बात होती थी, आज की तरह नहीं है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। उस टाइम पे तो किसी एक छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अगर आपको परफॉर्म करने को मिल जाए तो ये लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जाती थी। तो ये दो
ट्रॉफीज मिलने के बाद ऑफ कोर्स उन्होंने फिर से मुझे एक दिन अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे जलंधर जाना है, आपने इंटरव्यू देनी है MH1 चैनल के ऊपर, तो आप जलंधर चले जाओ और आप वहां पे इंटरव्यू देकर आओ। किसी कोई रंगला पंजाब शायद था चैनल, कुछ शो का नाम रंगला पंजाब समथिंग, तो उसके आप एंकर या पता नहीं शो होस्ट या कुछ बनोगे, तो आप जाओ वहां इंटरव्यू दे आओ। मैं बहुत वेल ऑफ फैमिली से नहीं हूँ, हमने बस ली, मैंने अपनी एक फ्रेंड से सूट उधार मांगा, फैंसी सा सूट, मैंने वो पहना और मैं जलंधर अपनी अगेन मदर को लेके साथ में जलंधर मैं इंटरव्यू देने के लिए गई। आप इमेजिन कर सकते हैं मोगा टू जलंधर जाना, बस में धक्के खाकर, गर्मी का टाइम था, पसीनों पसीनी, रोटी का नहीं पता, खाने का नहीं पता। एनीवे हम लोग पहुंच गए, MH1 का ऑफिस हमने ढूंढा, हम वहां गए, वहां वहां पे जो प्रेजेंट थे उन्होंने मुझे कहा कि आप वो फोटो लाए हो। मैं कहा कौन सी फोटो? कह रही हमने आपको तो नहीं बुलाया था, हमने तो एक लड़की की फोटो मंगवाई थी तो वो भेजना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि वो फोटो आपके हाथ भेजेंगे। तो मैं घबरा गई, मैं कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो चलो उन्होंने कहा मुझे कि चलो आप ऐसा करो, ये वाला शो है, अगर वो लड़की नहीं आ रही है उसकी फोटो आप बुलाए हो वहीं उस ऑफिस में, उन्होंने आपको फोटो हैंड ओवर करनी थी, तो आप एक काम करो, आप ये 4-6 लाइन उन्होंने लिखी हुई मुझे दी कि आप इनको बोल के दिखाओ। क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी थकी हुई थी, धूप में गई थी, तो मैं मतलब उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी, और कोई ब्रीफ नहीं मिला था कि मैं वहां पे किस लिए जा रही हूँ, कौन सा शो है, किस तरह की बातचीत करनी है। तो मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने कुछ बोला बोला तो वो शायद इतना कॉन्फिडेंट नहीं लगा उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जाइए, हम आपका जो रिजल्ट है जिन्होंने आपको भेजा है उनको भेज देंगे। मैं वापिस आई, तो वापिस आके जब मैं उनके ऑफिस में, जिनसे मेरी बातचीत चल रही थी, जो मुझे प्रमोट कर रहे थे उस टाइम पे, तो उनके मैं ऑफिस में जब जाती हूँ, तो उन्होंने मुझे एक बात ही बोली, कह रहे आप बुरा मत मानिएगा पर हर जगह आप अपनी मम्मी को साथ में क्यों ले जाती हैं? तो मैंने कहा क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल नहीं करती, मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील करती हूँ कि मेरा कोई फैमिली वाला मेरे साथ हो, क्योंकि मेरा कोई और मोटिव नहीं है। तो मुझे कहते हैं नहीं, आप प्लीज़ आगे से अगर हम आपको किसी काम पे भी भेजें तो आपने अकेले जाना है, आपने अपनी मम्मी को साथ में लेके नहीं जाना है। तो उस टाइम फिर मैंने उनसे पूछ लिया, मैं कह सर ऐसी क्या बात हो गई कि मतलब मेरी मम्मी नहीं जा सकते, नहीं तो वो मुझे अकेले तो नहीं जाने देंगे। कह रहे नहीं, आप नहीं समझते हो, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हम ना परफॉर्मेंस देने जाते हैं, लेकिन वहाँ हमें ना होटल रूम बुक करने पड़ते हैं, और होटल रूम बहुत महंगे होने की वजह से हम लोग जैसे 8 या 10 लोग हैं तो हम लोग एक या दो होटल रूम ही बुक करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, और जबकि हम सारे सेम एज ग्रुप के होंगे तो हम लोग डेफिनेटली जो सेम एज ग्रुप के मतलब एक कमरे में होंगे तो इतना माइंड नहीं करते लोग जैसे एडजस्ट करने में या सोने में जगने में, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स उस रूम में साथ में होते हैं तो फिर श्योरली हमें रूम आपको अलग से देना पड़ेगा। उसने जब ये बात बोली तो मुझे हल्का सा समझ आ गया कि ये जो डायरेक्शन मुझे दे रहे हैं ये किसी और तरफ की तरफ जा रहा है। उस टाइम पे मैं यंग थी, इतनी ज़्यादा मतलब समझदार नहीं थी। मैं अपने घर आई और मुझे याद नहीं ये बात मैंने शायद अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की या नहीं की, क्योंकि क्या होता है कि कल्चर ऐसा है हमारे देश का कि हम लोग कोई भी ऐसी बात अपने पेरेंट्स से करने से थोड़ा सा डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो शायद मैं ये बात उनसे शेयर नहीं कर पाई थी उस टाइम पे, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा था। और उसके बाद फिर मैंने कसम खाई थी कि अगर ये आज के बाद मुझे कभी भी कहीं भेजने के लिए बुलाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। हाँ इतना मुझे याद है कि मैंने अपनी मम्मी को ये आके जरूर कहा था कि ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे कहा है कि आप अपनी मम्मी को मत लेकर आया करो क्योंकि हमारे पास इतने होटल रूम्स बुक नहीं होते, या समथिंग लाइक दैट। बस इतनी बात मेरी मेरे मदर के साथ हुई, उसके बाद ये टॉपिक मैंने ऑफ कर दिया। तो मैं ये कहूंगी कि मैंने उस टाइम पे, चाहे छोटे शहर की एक सोच थी, उसने मुझे बचा लिया। अगर शायद मैं भी उनकी बातों में आ जाती, ये नहीं कि मुझे पता था कि उनका मोटिव क्या है, लेकिन ना पता होते हुए भी अगर मैं उस चीज़ में आ जाती और मैं बोल देती कि हाँ जी कोई बात नहीं, हम मैं अकेले चली जाऊंगी, तो शायद उनको वो ग्रीन सिग्नल मेरी तरफ से मिल जाता। अब हमें इससे क्या लर्न करने को मिलता है? हमें इससे ये लर्न करने को मिलता है, और ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न भी यही है कि मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आज के टाइम में खाली लड़कियां ही नहीं, लड़के भी सेफ नहीं हैं। आप क्या आप जानते हैं कि लड़कों को भी यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में, या नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्रीज में भी लड़कों को भी इक्वली यूज किया जाता है जैसे कि लड़कियों को यूज किया जाता है। तो प्लीज खाली बायस्ड होके ये जो मी टू मूवमेंट है खाली लड़कियों पे वेस्ट मत कीजिए। मैं ये चाहती हूँ कि लड़कों के ऊपर भी थोड़ी बात हो, क्योंकि गाइज लेट्स बी ऑनेस्ट, सब लोग ही 5 उंगलियां बराबर नहीं है, सब लड़के बुरे नहीं है और सब लड़कियां शरीफ नहीं है। तो बहुत सारे
आपको ऐसे केसेस में भी देखने को मिलेगा जहां पे एक लड़की की या एक विमेन की गलती होती है, ना कि एक आदमी की। तो वो पहलू को भी देखिए, खाली अंधाधुंध हम लोग अगर टारगेट करेंगे एक सोसाइटी को, तो हम डेफिनेटली एक बेटर सोसाइटी नहीं है। ना तो मैं ये कह रही हूं कि जो अभी चल रहा है मूवमेंट वो गलत है, मैं बिल्कुल उसकी सपोर्ट में हूं, और बिल्कुल किसी को भी एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहिए, किसी को भी, किसी इंडस्ट्री में भी, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो कैबिन क्रू इंडस्ट्री हो, चाहे वो ग्लैमरस जॉब्स हो, चाहे वो सेल्स गर्ल है, चाहे वो हॉस्पिटल में है, चाहे वो टीचर है, चाहे कहीं पे भी है, किसी को भी किसी को गलत नज़र से देखना और उसको यूज़ करना बिल्कुल गलत चीज़ है। मैं बिल्कुल इस चीज़ की सपोर्ट में हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं सिर्फ हम कभी कभी एक पहलू देख लेते हैं, हमें दूसरे पहलुओं को भी देखना है, हमें अच्छे इंसान बनना है, हमें खुद, जो आप लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, प्लीज़ आपको भी अपनी इस इज्जत को बचा के रखना है, किसी ऐसे इंसान की बातों में नहीं आ जाना है। अगर कोई आपसे आपकी पर्सनल फोटोज़ इस तरीके से मांगता है कि आप अप्रोप्रिएटली आपने क्लोथ्स नहीं पहने हुए हैं या कुछ ऐसा है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। शॉर्टकट्स लाइफ में आपको कहीं नहीं लेके जाते, ये मैं आपको बता सकती हूँ। जो शॉर्टकट से आप हासिल करेंगे ना, वो जितनी जल्दी आपको मिलेगा उतनी जल्दी आपसे छिन भी जाएगा, क्योंकि अगर शॉर्टकट करके आपको वो जगह आज मिली है जहाँ पे आप जाना चाहते थे, तो कल को कोई दूसरा भी शॉर्टकट लेके आपसे ऊपर आ सकता है, आपको रिप्लेस कर सकता है। इस चीज़ को मत भूलिएगा, शॉर्टकट्स आपको सक्सेस दे देते हैं, लेकिन वो टेम्प्रेरी होती है, वो आपकी परमानेंट सक्सेस नहीं होती। परमानेंट सक्सेस वही होती है जो आप अपनी मेहनत से, शिद्दत से, लगन से और अपने आप कमाते हैं, वही आपकी असली कमाई है, और उसी को आप प्राइड से लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ना कि द शॉर्टकट वाली। सो लड़कियों, लड़कों, जो लोग भी मुझे देखते हैं, बड़े छोटे, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी सेफ्टी बरकरार रखिए, थोड़ी सावधानी रखिए, किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट मत कीजिए, किसी के भी मैनिपुलेटिव वर्ड्स में मत आइए, और गलत चीज़ों को इनकरेज मत कीजिए, कोई गलत फोटोज़, गलत फ़ोन कॉल्स, गलत चीज़ें प्लीज़ एक दूसरे के साथ शेयर मत कीजिए, और शॉर्टकट्स लाइफ में मत अपनाइए। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योर फैमिली, बी ऑनेस्ट टू द मिरर, जिसको आप रोज देखते हैं, अपनी शक्ल जिसमें आप देखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं बस, मेरा मन था कि ये छोटी सी स्टोरी मैं आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था आपको बताना कि कोई भी एग्जेम्प्टेड नहीं है, सबके साथ, आई एम श्योर जितने लोग भी देख रहे हैं उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा छोटा या बड़ा हो चुका है लाइफ में जो उनके साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारी सोसाइटी थोड़ी ऐसी है अभी भी, जितना हम जिन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करके चल रहे हैं उसी की वजह से शायद ये चीज़ें जो हैं इतनी ख़राब हो रही हैं। अगर शायद हम थोड़ी सोसाइटी में लिबर्टी लेके आएं, थोड़ा लोगों को ओपननेस से जीने दें, थोड़ा उनको अपनी चॉइसेस जो हैं क्लियरली बनाने दें अपनी लाइफ में, अगर वो गे बनना चाहते हैं, लेस्बियन बनना चाहते हैं, स्ट्रेट रहना चाहते हैं, या वो एक किसी तरह की लाइफ भी लीड करना चाहते हैं लाइफ में, अगर ये फ्रीडम ऑफ चॉइस हमारी कंट्री में होगी या अपने विचार व्यक्त करने की फ्रीडम सबके पास होगी, तो ये सारे जो सिचुएशंस हैं थोड़ी से मुझे लगता है कम हो सकते हैं। ये मेरा एक व्यू है, मैं ये नहीं कह रही कि श्योरली ही ऐसा होगा, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चलिए दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड आई विल टॉक टू यू सून ऑन अ न्यू टॉपिक। सो टिल देन, बाय बाय फॉर नाउ।